सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे फफोलों और फोड़ों का निकलना, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय की 8 से लेकर 12 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय की 8 आयत से लेकर 12 आयत तक। फफोलों और फोड़ों का निकलना, मिस्र देश के ऊपर जो 10 भारी विपत्तियां पड़ी थी उसमें से ये 6 नंबर की विपत्ति है। और आगे फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों अर्थात मूसा और हारून भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो। और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ाई। यहाँ पर एक और निर्देश है परमेश्वर देते हैं मूसा और हारून को, और कहता है कि तुम है ना भट्ठे की आग में से एक मुट्ठी राख की ले लो और इस राख की मुट्ठी को फिरौन के सामने उड़ाना है। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। एक मुट्ठी राख है वो पूरे मिस्र देश में है, सूक्ष्म धूल बनकर फैल जाएगी और इसे सब लोगों के मध्य में उनके ऊपर है फफोले और फोड़े बन जाएंगे। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए। और फिर क्या किया, फिरौन और मूसा ने दोनों में से भट्ठी में से राख की मुट्ठी भरी और फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। तो यहाँ पर किस बिना किसी चेतावनी के है वो फिरौन के खिलाफ है परमेश्वर के द्वारा, हारून और मूसा के द्वारा एक्शन ले लिया गया है। इस बार कोई टाइम नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया, डायरेक्ट हमला ये इसके ऊपर किया गया। और मूसा और हारून ने राख लेकर फिरौन के देखते हुए आकाश की तरफ उड़ाई और वो एक एक मुट्ठी राख है, 2 मुट्ठी राख है, वो इतनी धूल बन गई, इतनी धूल बन गई कि समस्त मिस्र देश में फैल गई और समस्त पशुओं और मनुष्यों के जो मिस्री हैं और मिस्रियों के हैं उनके फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े रह न सके, और जो जादूगर हमेशा तैयार रहते थे कि ये काम तो हम भी करके दिखा सकते हैं, ये जादू तो हम भी करके दिखा सकते हैं, ऐसा हम भी कर जाते हैं, उनके सामने खुद के फफोले निकल गए, फोड़े निकल गए और वे खुजलाने लगे, जिस तरह की अय्यूब खुजलाता था ठीकरा लेके ऐसे, और ज्यादा देर तक वो खड़े भी नहीं रह सके हारून और मूसा के सामने, अपना जादू दिखाना दुखना सब भूल गए। तो जब विपत्ति आती है तो इंसान है वो सारे जादू मंत्र तंत्र भूल जाता है, जैसे कि ये जादूगर भूल गए, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे जादूगर के भी निकले। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और इस घटना के बाद फिरौन का मन पसीजने के बजाय और भी कठोर हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कठोर कर दिया था। और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी सुनी नहीं। इतने बड़े इस चमत्कार को देख के भी फिरौन है वो पिंगला नहीं, बोले मैं को नहीं सुधरू भाई, मैं को नहीं जान दू, मैं तो अपने वो रिंग कटर ले आके ना उससे अपनी दाग दाग की जो खुजली है वो मिटा लूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। जिद पकड़ ली इजराइलियों को, मैं जाने नहीं दूंगा, अपने देश में कैसे जाने दू, इतने सालों से 450 साल थे हमारे पास रहने, हमें आजकल तो हमने इनको गुलाम बनाए रखा है, यदि इनको जाने देंगे तो फिर हमारे देश में काम कौन करेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह।